स्टोरी बोधी प्रस्तुत करते हैं सावी की रात को सोने के वक्त की कहानी। ये सोने का वक्त था, माँ सावी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। सोने का समय हो गया है बेटा। माँ मुझे कहानी सुनना है। ठीक है सावी, कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगी? माँ आज मैं कोई सोते समय सुनने वाली कहानी नहीं सुनना चाहती। सावी ने मुंह फुलाते हुए हाथ की घड़ी करते हुए कहा। क्यों? मुझे वो सोने के वक्त की कहानियाँ अब और अच्छी नहीं लगती। तुमने कभी सुना है कि किसी छोटी बच्ची को ये कहानियाँ पसंद नहीं है? ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। माँ मैं वो कहानियाँ सुनकर थक चुकी हूँ, उनमें हमेशा वही पुरानी एक ही बात होती है। गोल्डी लॉकर, तीन भालू, उबाऊ, तो फिर चॉकलेट का महल जिसमें एक राजकुमारी चॉकलेट के फव्वारे में फंस जाती है। माँ मैं कहानियाँ 100 बार सुन चुकी हूँ। अच्छा फिर राक्षस की कहानी या फिर भूत की कहानी, गेंडा, एक परी नानी? नहीं माँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भूत या परी नानी की कहानियाँ और नहीं सुनना है। ठीक है, मेरी बेटी को कैसी कहानी सुनना है? सावी कुछ देर तक आसमान की ओर तकती रही, गहरी सोच में डूबी हुई। अचानक उसकी आंखें बड़ी होती है और वो बिस्तर से उठकर सीधे बैठ जाती है। मुझे पता है, ऐसी लड़की की कहानी जो सिर्फ बोलने भर से किसी भी चीज में बदल जाती है। माँ उसको देखकर मुस्कुराती है। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तुम किस रूप में बदलना चाहोगी सावी? एक तारा बनना कैसा रहेगा माँ? तुम्हारा मतलब है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसा तारा? नहीं। सावी बिस्तर से बाहर निकलती है। वो अपना नीला बैग और सितारे के आकार में चश्मे उठाती है और अपनी माँ को बताने के लिए वो क्या चाहती है गाने और नाचने लगती है। माँ अब बहुत नादान है, मैं कैसी लग रही हूँ? जादुई बेटा, एकदम जादुई। अब और क्या बनाना चाहती हो? मुझे सोचने दो। सावी अपने कमरे में इधर उधर देखती है। वो अपना फर वाला स्कार्फ और चश्मे निकाल के फर्श पर पटक देती है। जब उसका ध्यान अलमारी से निकल रहे टॉवल पर जाता है, वो तुरंत उस हरे टॉवल को कमर पर बांध लेती है। देखो माँ, मैं एक सुंदर सी जलपरी हूँ जो अपनी साथी मछलियों के साथ समुद्र में तैर रही है। सावी अपने साथियों को घुमाते हुए तैरना शुरू कर देती है। माँ सावी को जमीन पर लौटते हुए देखकर हंसने लगी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और क्या बनना चाहती हो? सावी ने अपना हरा टॉवल निकाल दिया। थोड़ी देर जमीन पर बैठकर सोचने के बाद उसने एक लाल दुपट्टा अपने मुंह पर बांध लिया, जैसे कोई निशानेबाज बांधता है। अब मैं गंदी डकैत हूँ और गंदे डकैतों की नेता हूँ। अब हम एक बैंक को लूटने जा रहे हैं, इससे पहले कि पुलिस हमें पकड़ ले। वो अपनी अलमारी में छुप जाती है और जब बाहर आती है तब उसके मुंह पर लाल दुपट्टा बंधा होता है और हाथ में तलवार होती है। मैं अपना दबा हुआ खजाना ढूंढ रही हूँ, सभी खोजते रहो, खजाना मुझे ही मिलना चाहिए। सावी अपने बिस्तर पर चढ़कर तलवार घुमाने लगती है। आहा, देखो मुझे सोना मिल गया। ओ, कितनी अच्छी रकैत हो तुम सावी, तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल ही गया। माँ सावी को उसके सिक्के जूतों में छिपाते हुए देखती है। सावी कमरे के बीच जाकर अपना दुपट्टा निकाल देती है। वो कमरे के बीच में बिछाए हुए कालीन पर बैठकर अपने हाथ घुमाने लगती है। अब तुम ये क्या कर रही हो बेटा? माँ मैं नदी के उस पार जा रही हूँ। लेकिन तुम नदी के उस पार क्यों जा रही हो? माँ क्या आप देख नहीं सकती चीकू उस तरफ अटक गया है, वो इस तरफ नहीं आ सकता। सावी दूसरी तरफ पहुँचती है, चीकू उसकी गोद में बैठ जाता है। दोनों साथ में बिस्तर पर कूद जाते हैं। अब सो जाओ सावी, कल तुम्हें स्कूल जाना है। सावी चादर ओढ़ लेती है। माँ क्या आप मुझे अब कोई कहानी सुनाओगी? क्यों, मुझे तुम्हें अब कोई कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं है, आज की रात तुम खुद एक वास्तविक कहानी थी। सावी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आप सही कह रही हैं माँ, आज की रात तो मैं ही कहानी थी,
ये सब कुछ बहुत मजेदार था। सावी ने अपने साथ चादर में चीकू को लपेट लिया और उसके माथे को चूम लिया। माँ ने जैसे ही कमरे की लाइट ऑफ की, उन्होंने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। माँ, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मुझे कहानियाँ पसंद है, क्या मैं कल रात को फिर से कहानी बन सकती हूँ? माँ धीरे से मुस्कुराई। हाँ सावी, तुम जब चाहो कहानी बन सकती हो, तुम अपनी कल्पना शक्ति से रोज एक नई कहानी बन सकती हो। माँ ने सावी का माथा चूमा और थकी हुई लेकिन खुश सावी, जो अगली बार क्या बनेगी उसके सपने देख रही थी, उसको सुलाकर दबे पांव कमरे से बाहर आ गई।